कहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा तो कहीं मुस्लिम समाज खुद कर रहा है सेवा। कहीं खिलाया जा रहा है लंगर तो कहीं फाइव स्टार होटल जैसे इंतजाम। खुद पुलिस वाले दबा रहे हैं पैर तो कहीं चोट पर लगा रहे हैं मरहम पट्टी। पूरे उत्तर भारत को कांवड़ियों ने शिवमय कर दिया। सीएम योगी ने वो कर दिया जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। जी, कांवड़ियों का आज तक ऐसा स्वागत नहीं हुआ होगा जैसा योगी राज में अब हो रहा है। ऐसी सेवा नहीं हुई होगी जो आज योगी राज में हो रही है। ऐसा इंतजाम नहीं किया गया होगा जो आज किया गया है। तभी तो पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का ऐसा भव्य स्वागत हो रहा है कि आप देखते रह जाएंगे। कहीं फूल बरसाए जा रहे हैं तो कहीं लंगर खिलाया जा रहा है तो कहीं पुलिस वाले खुद पैर दबाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारी तक कांवड़ियों की सेवा में मगन हो गए हैं। भोलेनाथ के चरणों में कांवड़िए फूल चढ़ाएं, उसके पहले कांवड़ियों के चरणों में फूल चढ़ाए जा रहे हैं। जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए हैं, स्वागत कक्ष बनाए गए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी हो, एसपी हो, डीएसपी, एएसपी, इंस्पेक्टर, सिपाही और हवलदार तक सब कांवड़ियों की सेवा में मशगूल हैं। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसमें पुलिस वाले कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं तो कहीं कांवड़ियों के पैर में लगी चोट पर मलहम पट्टी लगा रहे हैं। कई जगहों पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। आज से पहले आपने ऐसा कभी देखा था? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सब योगी आदित्यनाथ की वजह से हो रहा है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को कैसे सम्मान देना है, ये उनसे बेहतर शायद ही कोई समझ पाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने से पहले एक संत हैं। उन्होंने महीनों पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। साफ आदेश था कि कांवड़ यात्रा को जितना सुगम बनाया जा सकता है बनाया जाए, कांवड़ियों की जितनी सेवा की जा सकती है की जाए। तभी तो इसका असर दूसरे धर्मों के लोगों पर भी दिख रहा है। कांवड़ मार्ग पर धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की जा रही है। कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों को पानी, कांवड़ियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाने से लेकर उनकी हर तरह की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा बागपत जनपद के बिजरौल गाँव में कांवड़ मार्ग पर देखने को मिल रहा है। बिजरौल गांव के नजदीक काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने गांव के बाहर कांवड़ के मुख्य मार्ग पर हरिद्वार की ओर से गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़ियों को हाथ जोड़कर उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए नजर आए। मुस्लिम वर्ग के लोग फल वितरण से लेकर कांवड़ियों को आगे जाने का रास्ता भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कांवड़ियों की सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है। इससे आपसी सौहार्द, प्यार और भाईचारा बढ़ता है और दिल को सुकून मिलता है। वाकई ये सब सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के राज में ही हो सकता है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? अगर अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।